class once again welcome to all of you so last time we had uh, discussed about real and virtual image and today we will continue our chapter reading from the point uh, from where I had left last time so this was the page number 221 and I had read almost the complete page but I had left the last paragraph so let's start our reading now नाउ लेटेस्ट ट्राई टू ऑपटेन ऑन द स्क्रीन ऑफ इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाई अ कनकेव मीर तो यहाँ पर हमने कनकेव मीर पर इमेज बनानी है कैंडल की तो so, कैसे बनेगी वो हम दब देखेंगे तो एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट सेवन आपको इसके लिए दी है पहले पेपर का आपका ये पेज चेक कर लेता हूँ कि इज इट द करेक्ट वन और आई हैड ओपन द डिफरेंट वन सो यहाँ पर टू ट्वेंटी सेवन पेज नंबर है और आज हम जो रीडिंग करेंगे वो टू ट्वेंटी एट पेज नंबर की करेंगे सो पेज नंबर पे आपको दिया है फिक्स अ कनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड आपने एक कनकेव मिरर को स्टैंड पे अरेंज करना है एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडली डू एंड प्लेस इट ऑन द टेबल और आपने इसको टेबल पे रख देना है पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द कार्डबोर्ड शीट और आपने वहां पर क्या करना है वाइट पेपर की कार्डबोर्ड शीट उस पर पेस्ट कर देनी है ठीक है कहाँ पर पेस्ट करनी है से अबाउट सिक्सटीन सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ दी है आपको कि वाइट पेपर की शीट आपने कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर देनी है दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन ये स्क्रीन की तरह एक्ट करेगी ठीक है so सो अब आपको बोला है कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल यहाँ पर आपको कनके मीर लेना है स्टैंड में एनी अरेंजमेंट और टू कीप द मिरर स्टेडी कोई भी अरेंजमेंट रखो लेकिन मिरर हमेशा कैसा रहे सीधा रहे अब आपने क्या करना है एक वाइट पेपर वाइट पेपर जो होगा वो आपने कार्डबोर्ड शीट पे पेस्ट uh, कर देना अब आपने क्या करना है वो स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा अब आपने क्या करना है लाइटेड कैंडल जो है आपने टेबल पे रख देनी है एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट सिक्सटी सॉरी फिफ्टी सेंटीमीटर फिफ्टी सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने उसको रख देना है ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन कोशिश ये करनी है कि जो फ्लेम है जो जल रही है कैंडल उसकी इमेज जो है वो स्क्रीन पे बने फॉर दिस मूव द स्क्रीन आपने क्या करना है स्क्रीन जो रखी हुई थी पीछे उसको मूव करना है तब तक करना है जब तक आपको एक शार्प इमेज फ्लेम की नहीं बनती इसमें। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर ये भी कोशिश करनी है कि जो इमेज जो मिरर पे लाइट पड़ रही है कैंडल की वो उसको रोके ना इज़ दिस इमेज रियल आर वर्चुअल इट इज ऑफ द सेम साइज़ एज दैट ऑ ऑफ द इमेज ठीक है सो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि ये आपने कैंडल जलाई ठीक है यहाँ पे कैंडल जली हुई कैंडल जलने के बाद आपको यहाँ पे इन्होंने क्या रखा हुआ है एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है और ये स्क्रीन की तरह काम करेगा ठीक है ये स्क्रीन की तरह काम करेगा तो अब आपको बोला है ये इमेज जो है वो रियल है या वर्चुअल है 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 ठीक क्या इसका सेम साइज़ फ्लेम की तरह या नहीं है सो so इसका आंसर हम अब जानेंगे आपको बोला है नाउ मूव द कैंडल द मिरर अब आपने क्या करना है कैंडल को मिरर के पास तक लेके आना ठीक है अलग अलग डिस्टेंस पे उसको देखना है इन ईच ट्राई टू ऑप्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी इमेज आपकी बने वो कहां पर बने स्क्रीन पे बने ठीक है इस तरीके से आपने कैंडल को उसके पास लेके जाना है मिरर के पास कि उसकी इमेज जो भी बनेगी वो स्क्रीन पे ही बने और ऑब्जर्वेशन आपने टेबल पे नोट करनी है इज़ इट पॉसिबल टू ऑप्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन वैन द कैंडल इज बिटवीन इज टू क्लोज टू द मिरर आपको बोला है क्या ये पॉसिबल है कि आपको इमेज मिल जाए ठीक है ऑन द स्क्रीन वैन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मीर ये कोशिश करनी है कि जब मिरर आपके कैंडल के कैंडल आपके मिरर के बिल्कुल क्लोज है तो क्या उसकी इमेज स्क्रीन पे पड़ती है ये सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है तो आपको बोला वी विल सी दैट द इमेज फॉर्म बाई कनकेव मिरर कैन ईधर भी स्मॉलर और लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट आपको बोला है जो कनकेव मिरर से इमेज बनती है वो क्या होती है स्मॉलर होती है या लार्जर होती है ऑब्जेक्ट से और इमेज कैसी होगी या रियल होगी या वर्चुअल होगी ठीक है सो कनकेव मिरर्स अब आपके अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है आप यहाँ पे जो कनकेव मिरर्स हैं वो आइज़ देखने में यूज़ करते हैं डॉक्टर्स एयर्स को चेक करते हैं डॉक्टर्स नोज को थ्रॉट को और ये कनकेव मिरर डेंटिस्ट भी यूज करते हैं फॉर हैविंग अ लार्जर इमेज ऑफ द टीथ टीथ की बड़ी इमेज के लिए डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं जिनको डेंटिस्ट कहा जाता है ठीक है अब मैं कोशिश करूंगा जो हमने एक एक्टिविटी की है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी मैं उसके बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा सो so जो हमने एक्टिविटी की यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बताता हूँ इसमें क्या रिजल्ट आएगा वो हम जानेंगे पहली बात ये कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कनकेव मिरर के बिल्कुल पास में आएगा ठीक है जैसे आप बोल रहे थे ना डिस्टेंस पास पास लाना है आपने मिरर के जब आप उसको बिल्कुल पास में लाओगे तो वो क्या बनेगा जब आप उसको बिल्कुल पास में लाओगे कनकेव मिरर के तो इमेज कैसी बनेगी इरेक्ट सीधी वर्चुअल वर्चुअल तो आप जानते ही हो वैन इट इज फॉर्म्ड ऑन द बिहाइंड द स्क्रीन ठीक है और अनलार्ज बनेगी बड़ी इमेज बनेगी ठीक है जब ऑब्जेक्ट क्या होगा बहुत दूर होगा दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर दूर था तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी स्मॉल होगी इन्वर्टिड होगी और रियल होगी जो कि आपको स्क्रीन पे जरूर मिलेगी ठीक है जो आपको कैंडल ऐसी दिखाई दे रही है सो वो कैंडल जब आपने 50 सेंटीमीटर दूर रखी होगी तो वो 50 सेंटीमीटर दूर कैंडल आपको कैसी दिखाई देगी ऐसी ठीक है ऐसी इमेज को आप बोलते हो इनवर्टिड आई एन वी ई आर टी ई डी ठीक है इनवर्टेड इमेज दिखाई देगी और जब आप और इससे एक चीज प्रूव होगी कि जैसे जैसे आप कैंडल का डिस्टेंस कण मिरर से क्या करते हो दूर दूर लेते जाते हो तो साइज जो होता है इमेज का वो डिक्रीज होते जाता है तो आप कैंडल को जब 50 सेंटीमीटर दूर रखोगे मिरर से सो उसकी इमेज कैसी बनेगी छोटी और इन्वर्टेड ठीक है छोटी मतलब स्मॉल इन साइज और इन्वर्टेड मतलब थोड़ी सी टेढ़ी या उल्टी ठीक है और जितना जितना पास लाओगे उतनी इमेज आपकी क्या बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट ठीक है वर्चुअल मतलब बिहाइंड द स्क्रीन और एलार्ज मिलेगी ठीक है सो इस तरीके से ये इसका इफेक्ट होगा इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी ठीक है सो अब हम बात कर रहे थे कनखे मिरर्स जो होते हैं वो कौन कौन यूज करता है कनखे मिरर डॉक्टर्स यूज करते हैं डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जो आईज नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट होते हैं ई एन टी वाले आईज नोज थ्रोट और एयर्स uh, वाले जो चेक करते हैं कानों को हमारे नाक को हमारे और uh, आँखों को जो चेक करते हैं गले को चेक करते हैं ये सब कौन सा लेंस यूज़ करते हैं कनकेव सॉरी uh, ये कनकेव मिरर यूज़ करते हैं बहुत बार कोई चीज़ चेक करने के लिए ठीक है और uh, नेक्स्ट आ गया जो डेंटिस्ट हैं वो भी कौन सा मिरर यूज करते हैं कनकेव मिरर फॉर चेकिंग द टीथ डिकेड और डिसफंक्शन टीथ अब आपको बोला है कि जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्च या हेडलाइट में या कार्स में या स्कूटर्स में वो भी कंकेव शेप के होते हैं ठीक है और यहाँ पर आपको बोला है यासिर ऑब्जर्व करता है कि जो शाइनी सरफेस होती है बेल की ऑन ज न्यू बाईसाइकिल उसको वो भी दिखाई देती है न्यू बाईसाइकिल में वो देखता है हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज जब वो अपने साइकिल पर जो बैल लगी होती है उस पर इमेज देखता है तो उसको इरेक्ट दिखाई देती है पर इमेज कैसी दिखाई देती है छोटी स्मॉलर इन साइज ठीक है ही वॉन्टेड ही वॉन्टेड इफ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेरिकल मीर फिर वो सोचता है क्या बेल भी एक स्पेरिकल मीर है कैन यू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ मीर क्या आप मीर को रिकॉगनाइज कर सकते हैं वो किस टाइप का है सो नोट दैट द रिफ्लैक्टिंग सरफेस ऑफ बैल इज कन्वैक्स जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस होती है कन्वैक्स की वो क्या होती है रिफ्लैक्टिंग सरफेस होती है जो बैल की वो कैसी होती है कन्वैक्स इसीलिए आपको इमेज कैसी दिखाई देती है छोटी दिखाई देती है पर दिखाई कैसी देती है इरेक्ट सीधी ठीक है और मैंने आपको बताया चम्मच उल्टा करते हो तो आप देख सकते हो उस पर ठीक है सो so आपको बड़ा रिपीट द एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट सेवन नाव विदैक्स मीर इन द फॉर्म ऑफ ए कनकेव मिरर इन प्लेस ऑफ ए कनकेव मिरर आपने उसी एक्टिविटी को रिपीट करना है पर इस बार आप क्या यूज़ करोगे कन्वैक्स मिरर ठीक है और ऑब्जर्वेशन को आपने रिकॉर्ड करना है कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस क्या आपको रियल इमेज मिलेगी किसी डिस्टेंस पे सो so, अब वो एक क्वेश्चन होगा जिसको हम ढूंढेंगे कैन यू रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड व्यू मिरर्स इन स्कूटर्स ठीक है क्या आप जो साइड व्यू मिरर्स आपके स्कूटर में होते हैं आप उस मिरर को रिकॉग्नाइज कर सकते हो दीज आर कन्वैक्स मिरर्स तो आंसर क्या है जो आपके स्कूटर्स में कार्स में जो साइड में शीशे लगे होते हैं कार में जब रिवर्स करने के लिए उस शीशे को यूज़ किया जाता है आजकल तो खैर बहुत बार क्या यूज़ हो रहा है आजकल कैमराज यूज़ होते हैं पर जो अभी भी बहुत से नाइन्टी परसेंट गाड़ियाँ है ऐसी हैं जो पुराने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही हैं उसमें आप जब देखते हो शीशा साइड में लगा होता है तो रिवर्स करने के लिए वो उसमें से देखते थे उसको ठीक है पीछे से कौन सी गाड़ी है उससे देखते हैं कार्स में आपकी जो बाइक्स होती हैं उसमें भी लगी होती हैं तो वो मीर कौन से होते हैं वो आपके होते हैं रेयर व्यू मीर और वो किससे बने होते हैं कन्वैक्स लेंस से कन्वैक्स मीर से ठीक है और अब आपको बोला है यहाँ पे आपके जो आ, बात करते हैं कन्वैक्स मिरर के कन्वैक्स मिरर पे आपको जो इमेज मिलती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है ठीक है क्वेश्चन था ना डिड यू गेट एन इमेज कुड यू गेट ए रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस नो हमें किसी भी डिस्टेंस पे रियल इमेज नहीं मिलती हमेशा कौन सी मिलेगी वर्चुअल और इरेक्ट डिड यू गेट एन इमेज लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आपको जो इमेज है वो लार्जर मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी आंसर है इसका कि कभी भी आपको जो इमेज कन्वेक्स लेंस से मिलती है वो कभी भी लार्जर नहीं होती हमेशा कैसी होती है छोटी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट दो ही केस होंगे या तो वेरी स्मॉल होगी ठीक है इट इज़ इट मस्ट बी वेरी स्मॉल और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से कैसी होगी स्मॉल होगी तो अब मैंने जैसा आपको बता दिया कि जो कन्वेक्स मिरर्स हैं ये आपकी गाड़ियों में यूज होते हैं क्योंकि दे कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया ये उनकी भी इमेज बना सकते हैं जो लार्जर इन साइज होते हैं ठीक है तो उसकी भी इमेज आपको छोटी सी इमेज बना के दिखा देंगे जो आपके लिए काफ़ी होगी आपको पा दिल जाएगा तो ये ड्राइवर्स को पता लगाने में हेल्प करते हैं कि उनके पीछे कौन सी आ रही है तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ये शीशे की मैं बात कर रहा था इससे आपको इसको रेयर व्यू मिरर बोला जाता है और इससे आप पीछे हर चीज़ का पता लगा सकते हो कौन सी गाड़ी कहाँ पर कैसे चल रही है ठीक है फर्दर हम अब टॉपिक पर चलेंगे तो अब हमने बात कर ली लेंसेस की सो ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ये आप चेक कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया आप टेबल बना सकते हो ठीक है फिफ्टी सेंटीमीटर पर जब आप रखोगे तो आपको इमेज कैसी दिखाई देगी स्मॉलर इन केस ऑफ कनकेव मिरर इमेज आपको आ, यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट ही मिलेगी ठीक है कहाँ मिलेगी जब आप उसको बिल्कुल क्लोज लाओगे ठीक तो, है बहुत क्लोज होगी तो वर्चुअल और इरेक्ट जब दूर होगी तो वो कैसी होगी रियल और इन्वर्टेड बता रहा था मैं आपको कि रियल और इन्वर्टेड इमेज कब बनेगी रियल और इन्वर्टेड इमेज मैक्सिमम टाइम्स बनेगी कनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक बार वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा कनकेव मिरर के रही बात कन्वैक्स लेंस की सो कन्वैक्स लेंस में मैक्सिमम टाइम्स वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी कभी भी आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलेगी ठीक है सो so, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना है एक कन्वेक्स लेंस लेना है सो कन्वेक्स लेंस हम यहाँ पे क्या लेंगे कन्वेक्स लेंस अब यहाँ पे बोला कॉशन कॉशन आपको दिया है इट इज़ टू डेंजरस टू लुक एट अ सॉरी उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमने देखना है इमेज इस फॉर्म अ लेंस हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था हमने सिर्फ अभी तक बात की है मिरर्स की तो हम बात करेंगे लेंस की सो यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास आपने मैग्नीफाइंग ग्लास जरूर देखा होगा छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ने में वो यूज होता है और ये भी आपने देखा होगा जब भी ये जब प्रैक्टिकल्स करते हैं बड़ी क्लास के बच्चे तो वो क्या करते हैं कॉकरोच और अर्थफॉर्म के छोटे छोटे बॉडी पार्ट को मैग्नीफाइंग लेंस से ही देखते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास एक टाइप का लेंस है जिससे आपको छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई भी है अगर किसी बच्चे को याद नहीं होगा नहीं समझ आ रहा होगा ये क्या मैग्नीफाइक लेंस वो ऐसा होता है ठीक है लेंसेज आजकल हर जगह यूज़ होते हैं इनफैक्ट मैक्सिमम लोग आजकल आई साइड लोगों की वीक है तो स्पेक्टिकल्स वो पहनते हैं उसके साथ साथ टेलीस्कोप्स में भी ये चीज़ यूज़ होती है टेलीस्कोप आप जानते हो दूर की चीज़ को देखने में यूज़ होता है माइक्रोस्कोप में क्या होता है छोटी सी चीज़ को आप बड़ा देखते हो तो छोटी सी चीज़ को बड़ा करने में जो हेल्प करता है वो भी कौन करता है लेंस करता है सो आपको बोला है ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेज ऑफ लेंस इन योर लिस्ट आप और भी लेंस के यूज को आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हो कि लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है अब हम बात करेंगे गेट सम लेंसेज टच एंड फीट दम अब आपने क्या करना है कुछ टेंसेज लेने कुछ लेंसेज लेने हैं और उनको टच करना है और फील करना है कैन यू फाइंड सम डिफरेंसिस जस्ट बाय टचिंग क्या आप टच करके डिफरेंस बता सकते हो सो दीज लेंसेज विच फील थिक्कर इन द मिडल एंड थिन एट द एज लेंसिस सो वो लेंस जो इस तरीके से होंगे मैं भी ड्रॉ करके आपको बताया तो यहाँ पर ड्रा भी किया है सो so, ये ठीक है जो थिक होंगे मिडल में यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थिक हैं ठीक है पर एजिस में कैसे हैं यहाँ पर कैसे हैं वो थिन है ठीक है यहां पर कैसे हैं थिन है।, है यहां पर कैसे हैं थिक है, है? सो so, जो मिडल में थिक होंगे और एजिस में थिन होंगे ऐसे लेंसेज को हम कौन सा लेंस बोलते हैं कन्वैक्स लेंस कौन सा लेंस बोलते हैं कन्वैक्स लेंस तो कन्वैक्स लेंस वो लेंस होता है जो कैसा होता है थिक इन द मिडल और थिनर कैसा होगा एजिस में तो ऐसे लेंस को हम बोलते हैं कन्वैक्स लेंस फिर हम बात करेंगे कनकेव लेंस की ठीक है वो लेंस जो थिन होते हैं मिडल में पर थिक होते हैं एजिस में तो इस तरीके का लेंस होगा ये यहाँ पर कैसे हैं थिन और यहाँ पे कैसे हैं थिक जो मिडल में थिन होंगे और लास्ट में थिक होंगे उस एज उनको आप क्या बोलते हो कनवे कंकेव लेंस ठीक है कनकेव लेंस कौन से लेंस हो गए विच इज थिनर इन द मिडल बट थिकर एट द एज इज ठीक है सो so, इस तरीके से हम पहचान सकते हैं टच करके ही कि लेंस कौन से टाइप का है कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है और बहुत से बच्चे कन्केव मिरर और कन्वैक्स मिरर में कन्फ्यूज़ कनकेव मिरर और कन्वैक्स लाइन कंफ्यूज कन्फ्यूज जाते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो कनकेव मिरर होता है आपका वो इस तरीके से होता है और वो बैक साइड से पॉलिश होता है तो ये मैं जो लाइंस यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ ना ये पॉलिश सरफेस के बारे में ठीक है, है? यहाँ से पॉलिश होगा वो सो so, आप बहुत बार मिरर को क्या करते हो देखते हो मिरर के पीछे ऑरेंज कलर की कोटिंग होती है जब भी आप उसको रिमूव करते हो तो आप देखते हो वो मिरर एक क्या बन जाता है एक शीशा बन जाता है सिर्फ एक आप कह सकते हो ग्लास बन जाता है ठीक है so, सो उसको पीछे से पॉलिश किया होता है सिल्वर की पॉलिशिंग की होती है ताकि सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है दैट्स वाई उसको पॉलिशिंग की होती है लेकिन जब हम बात करते हैं लेंस की सो so, लेंस में कोई पॉलिशिंग नहीं होती लेंस जैसा होता है वो वैसा ही होता है ऐसा ठीक है इसमें से लाइट पास कर सकती है पर इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी मतलब पढ़ के वापस आएगी उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कन्वैक्स मिरर की सो कन्वैक्स मिररर ऐसा होता है बल्जड आउट होता है बाहर की तरफ झुका होता है लेकिन पीछे से वो पॉलिश होता है ठीक है पॉलिश होने के साथ साथ जो रिफ्लेक्शन होगी यहाँ से होगी फर्स्ट थिंग एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यहाँ पे जो इसका लेंस होगा वो कैसा होगा ऐसा होगा तो ये कन्वैक्स लेंस है कनकेव मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया था कनकेव जो है वो यहाँ पर यह कनकेव मीर है ठीक है ये तो आप जानते हो कन्वेक्स सॉरी कनकेव जो लेंस होता है वो ऐसा होता है ठीक है इस शेप का यहाँ पे वो थीन होता है सो so, ये था कनकेव और कन्वेक्स लेंस आई होप आपको टॉपिक अच्छे समझ आया होगा एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एंड इवन यू कैन आस्क मी पर्सनली सो थैंक्स एंड हैव नाइस डे क्लास